हेलो बच्चों, आज हम अपनी छठी कक्षा में नैतिक शिक्षा का पहला अध्याय प्रार्थना करेंगे। इस अध्याय में हम भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हम भगवान से बच्चे क्या प्रार्थना करते हैं, आइए सुने। हे दया में हम सबों को शुद्ध जीवन दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। कि हे दयालु भगवान, हम सबके जीवन को शुद्ध कर दीजिए और इस जीवन में से बुराई को निकालकर इसमें अच्छाई भर दीजिए। ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पे हो परमात्मा, हो सभी बच्चे बड़े इस देश के धर्मात्मा। कि हम पे ऐसा अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें कि हे परमात्मा, इस देश के बड़े छोटे सब धर्म की राह पर चलने वाले हों। हो उजाला सबके मन में ज्ञान के प्रकाश का, और अंधेरा दूर हो अविद्या नाश से। कहते हे भगवान, सबके मन में ज्ञान के प्रकाश का उजाला हो जाए और अंधेरा दूर हो जाए। किसका? अविद्या का नाश होकर अंधेरा दूर हो जाए। खोटे कर्मों से बचें और तेरे गुण गाएं सभी, छूट जाएं दुख सारे, सुख सदा पाएं सभी। यानी कि खोटे कर्मों, यानी कि बुरे कर्मों से बचें, कोई भी बुरा काम ना करे और तेरे ही गुण गाएं सभी, छूट जाएं सब दुख, सभी दुखों से छुटकारा मिल जाए और सभी के जीवन में सुख ही सुख हो। सारी विद्याओं को सीखें, ज्ञान से भरपूर हों, शुभ कर्म में हो वे तत्पर, दुष्ट गुण सब दूर हों। कहते हैं कि हे भगवान, हम सभी प्रकार की विद्याएं सीखकर ज्ञान भर जाए, हम में सभी विद्याओं का ज्ञान का प्रकाश करें, शुभ कर्म में हों मैं तत्पर, सब शुभ कर्म अच्छे कर्म करने के लिए तैयार हों, दुष्ट गुणों से यानी कि बुरे गुणों से सब दूर रहें। यज्ञ हवन में हो सुगंधित अपना भारतवर्ष देश, यानी कि यज्ञ और हवन करें, सभी यज्ञ और हवन करें और उस हवन और यज्ञ की सुगंधी सुगंध से सारा भारतवर्ष सुगंधित हो जाए, ताकि वायु जल सुखदायी हो, में वायु जल सभी हमारे लिए सुखदायी हों और सभी प्रकार के कलेश दूर हो जाएं। वेद के प्रचार में होमें सभी पुरुषार्थी, होमें आपस में प्रीति और बने परमार्थी। कि सभी वेदों का प्रचार करने में सभी पुरुषार्थ करें और सभी आपस में मिलजुल कर रहें, उनमें स्नेह भाव हो और सभी परमार्थी, परमार्थी मतलब दूसरों को की भलाई के कार्य करने वाले हों। लोभी और कामी क्रोधी कोई भी हम में ना हो, कोई लोभी ना हो, कामी ना हो और किसी में क्रोध ना हो, और सर्व व्यसनों, सारे व्यसनों से बचें और छोड़ दें वे मोह को, मोह को छोड़ दें। व्यसन आपको पता है, चोरी चोरी हिंसा और चोरी हिंसा श्राप पीना, कोई दुर्व्यसन, पर स्त्री गमन, ये सारे दुर्व्यसन होते हैं। तो वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं बच्चे कि हम सभी इन व्यसनों से दूर रहें और मोह को छोड़ दें, अच्छी संगत में रहें और वेद मार्ग पर चलें। और कहते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि हम हमेशा अच्छी संगत पर में रहें और वेद में बताए हुए मार्गों पर चलें। तेरे ही हो में उपासक, हे भगवान, हम तेरे उपासक बने और कुकर्मों और बुरे कर्मों से हमेशा बचे रहें। कीजिए हम सबका हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से, हे भगवान, अपने ज्ञान से हम सबका हृदय शुद्ध कर दीजिए, साफ कर दीजिए, मान जीवन में बढ़ाओ सबका भक्ति दान से, और सभी का भक्ति, अपनी भक्ति सबके मन में भरकर हमारा गौरव बढ़ाओ। अब ये प्रार्थना थी कि बच्चे भगवान से क्या मांग करते हैं, तो आइए इस लेसन के प्रश्न उत्तरों पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रश्न है कि इस प्रार्थना में प्रभु से क्या
देने और क्या दूर करने को कहा गया है। इस प्रार्थना में प्रभु से ज्ञान देने और सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए कहा गया है। प्रभु की शरण में जाकर हम क्या बन सकते हैं? प्रभु की शरण में जाकर हम ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक और वीर व्रतधारी बन सकते हैं। प्रश्न थर्ड है कि इस प्रार्थना में देश के लिए क्या प्रार्थना की गई है? भारत देश की सेवा के लिए इस प्रार्थना में मांग की गई है। यहाँ किस सद्ज्ञान की मांग की गई है? यहाँ ऐसे सद्ज्ञान की मांग की गई है जिसमें प्रभु को ना भूलें हम। तो आपने ये वीडियो देखी जिसमें आपको हर तरह के दुखों से दूर अच्छे कर्म पर चलने के लिए कहा गया है। पर बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि वो उन्हें सद्ज्ञान दें, ज्ञान की रोशनी प्रदान करें और अच्छे बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाएं। तो हमें इस प्रार्थना से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छी राह पर चलना चाहिए।